हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद है पॉलीनोमियल्स प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या पहला है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर 2x³ है प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है और इसके शून्यक 1/2, 1 और माइनस 2 दिए गए हैं। तो हम आ जाएंगे, पहले समीकरण लिखेंगे, ये 2x³ है प्लस x² है माइनस 5x है और प्लस 2 है। अब इसमें एक शून्य की x बराबर 1/2 रखेंगे, ये पहला वाला शून्य जो दिया है। तो यहाँ आएगा 2, 1/2 का क्यूब होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, माइनस 5 गुणे 1/2 होगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 और 1/8 हो जाएगा 2 का क्यूब, और यहाँ आएंगे तो 1/2 दूनी 4 होगा, माइनस 5/2 होगा और प्लस 2 हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 है, पूरे का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 × 4 1 × 1 आएगा, फिर 4 × 4 1 × 1 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 है, 1 का भाग देंगे 4, 4 × 2 = 8 बन जाएगा। 8 + 1 + 1 यानी 10 आ गया, माइनस 10 हो गया, 4 आ गया, बराबर 0 आ गया। चूँकि इसका मान 0 आ गया तो इसके शून्यक हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले मान को रखेंगे, यानी x बराबर हमें 1 रखना है। तो आइए हम x बराबर इसमें अब 1 रखते हैं। तो हमारा दे दिया है x बराबर, यहाँ आ जाएंगे अब 1 रखेंगे, यानी ये दूसरा वाला मान। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1 का क्यूब होगा, प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस 5 × 1 होगा और प्लस 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 × 2 आएगा, फिर 1 × 1 आएगा, माइनस 5 होगा और प्लस 2 होगा, 2 × 2 = 4 = 5 हो गया। तो 5 − 5 = 0 आया, तो ये भी हमारा शून्यक कहलाएगा। तो दोनों शून्यक मिल गए। अब हम x बराबर -2 रखेंगे, इसी में रखेंगे तो 2 − 2 का क्यूब बनेगा, यानी ये बन जाएगा p − 2, लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं P और 1 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, -2 का स्क्वायर होगा, -5 × −2 होगा और प्लस 2 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो ये हमारा मिलेगा 2 × 4 × 8 -8, 8 × 2 = 16 बन जाएगा। ये 2 × 2 = 4 प्लस बनेगा, −−+ हो जाएगा और 5 × 2 = 10 बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा। ये बना 10 × 4 = 14 × 2 = 16 हो गया। तो −16 + 16 मिला, बराबर 0 आ गया। अतः ये नीचे लिख देंगे 1/2, 1 तथा −2 बहुपद के शून्यक हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इस बहुपद के गुणांकों और इसके भी संबंध स्थापित करना है। आइए स्क्रीनशॉट, अब इसके बाद आगे आते हैं। इनके भी संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे इसको हम ax³ + bx² + cx + d = 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर हमें मिल जाएगा 2, b बराबर यहाँ मिल जाएगा इसका गुणांक 1, और c बराबर मिलेगा हमें -5, और फिर d बराबर निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब ये हमारे जो शून्यक दिए गए हैं, एक अल्फा है 1/2, दूसरा बीटा है जिसका मान दिया है 1, तीसरा गामा है और ये बराबर -2 हो गया। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। यहाँ आएंगे अल्फा का मान 1/2 होगा, प्लस बीटा का मान 1 होगा और प्लस गामा का मान -2 हो जाएगा। और यहाँ निकालेंगे तो -b का मान 1 मिला है तो 1/a का मान 2 मिला है तो 1/2 यानी माइनस आना चाहिए। तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 प्लस 1 -2, तो 2 × 1 = 2 = 3 / 2 -2, और हल करेंगे 2 × 2 = 4 3 − 4 / 2
और घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ यानी माइनस एक बटा दो आ गया। इस साइड भी हमारा माइनस एक बटा दो है, माइनस एक बटा दो है, माइनस एक बटा दो आया, ये भी माइनस एक बटा दो आया, अर्थात माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो के बराबर हो गया। तो हमें क्या मिल गया, जो शून्यक होते हैं उनका योगफल माइनस बी अपान ए होता है। इसी तरह से आएंगे दो दो मूलों के गुणनफल का लगाएंगे नेक्स्ट। तो दूसरा हम लेते हैं दो दो मूल वालों के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये बराबर होता है सी अपान ए। अब यहाँ आएंगे अल्फ़ा का मान ये रखेंगे एक बटा दो, बीटा का मान एक है, बीटा का मान एक है और गामा का मान माइनस दो है, गामा का मान माइनस दो है और अल्फ़ा का मान एक बटा दो है, और ये बराबर आना चाहिए सी अपान ए, सी मीन्स माइनस पाँच बटे ए का मान दो, यही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये बनेगा एक बटा दो, ये बन गया माइनस दो, और ये दो से दो कट के माइनस एक आ जाएगा, और ये बराबर माइनस पाँच बटा दो के बराबर होना चाहिए। दो दूनी चार, यानी इसको इसको जोड़ लेंगे तो एक बटा दो माइनस तीन, और ये बराबर माइनस पाँच बटा दो के बराबर आना चाहिए। तो तीन दूनी छः हो जाएगा, बटे दो बराबर माइनस पाँच बटा दो हो गया। अब छः में से एक घटाएंगे तो माइनस पाँच बटा दो बराबर माइनस पाँच बटा दो के बराबर आ गया। तो ये भी बराबर मिला, अर्थात हम कह सकते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल सी अपान ए के बराबर होता है। फिर अगला आएंगे, एक और ले लेंगे नंबर थर्ड वाला, जिसमें तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है। तो आइए अब हम तीसरा ले लेते हैं, जिसमें तीनों शून्यकों अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपान ए, पहला प्लस दूसरा माइनस, सॉरी पहला माइनस दूसरा प्लस और तीसरा फिर माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू एक बटा दो होगी, बीटा की वैल्यू यहाँ से आएंगे एक होगी, और गामा की वैल्यू माइनस दो होगी, और यहाँ आएंगे माइनस डी, डी का मान दो होगा और बटे दो हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे क्या मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो करके माइनस एक आया, और दो एक का दो कट करके ये भी माइनस एक आया, तो हमें फिर लेफ्ट राइट बराबर मिल गया, अर्थात तीनों शून्यकों के गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी अपान ए। अब आगे देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर आएंगे एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा दे दिया है ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, इसमें मिसप्रिंट दे दिया है, तो यानी ये हमारा समीकरण बनेगा पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर होगा प्लस पाँच एक्स होगा और माइनस दो। अब यहाँ पर हम पहली वैल्यू रखेंगे एक्स बराबर दो, तो हमारा मिल जाएगा पी दो बराबर होगा दो का क्यूब माइनस चार दो का स्क्वायर प्लस पाँच गुणे दो होगा और माइनस दो होगा। तो दो दूनी चार दूनी आठ बनेगा, दो दूनी चार चौक सोलह बन जाएगा, और पाँच दूनी दस बन जाएगा और माइनस दो बनेगा। ये दस आठ अट्ठारह बन जाएगा, और ये सोलह दो अट्ठारह माइनस अट्ठारह जीरो आ गया, अर्थात इसका एक शून्य दो है। दूसरा आ जाएंगे हम एक्स बराबर एक ले लेंगे तो पी एक होगा, और ये बराबर एक रखेंगे इसमें तो एक का क्यूब होगा माइनस चार गुणे एक का स्क्वायर होगा प्लस पाँच गुणे एक होगा और पाँच गुणे एक माइनस दो हो जाएगा। एक का क्यूब करेंगे एक आएगा, एक का वर्ग एक, एक चौके चार बन जाएगा, पाँच एक का पाँच बन जाएगा और माइनस दो होगा। तो ये बनेगा पाँच एक छः हो गया और चार दो छः माइनस हो गया, जीरो आ गया, अर्थात दोनों ही जीरो आए तो ये दोनों शून्यक हैं। और तीसरा भी वही मान है तो एक फिर आएगा, फिर हम रखेंगे तो यही आएगा, यानी तीनों हमारे शून्यक कहलाएंगे। अब यहाँ पर गुणांकों और इसमें संबंध स्थापित करना है, तो हम आ जाएंगे समीकरण, यानी एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर है प्लस पाँच एक्स है माइनस दो। अब इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर, सॉरी ए एक्स क्यूब यहाँ पर होगा, ए एक्स क्यूब प्लस होगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस होगा
यानी सी एक्स और प्लस डी बराबर जीरो से तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ मिल जाएगा एक, बी बराबर निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस चार, सी बराबर मिल जाएगा यहाँ से हमें पाँच और डी बराबर हमें मिलेगा माइनस दो, डी बराबर माइनस दो हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, पहला मूल जो होगा वो अल्फा बराबर दो है, बीटा बराबर एक है और गामा बराबर भी एक होगा। अब आगे आ जाएंगे हाँ, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अब यही रखेंगे, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, अल्फा मीन्स दो, बीटा मीन्स एक, गामा मीन्स एक, माइनस बी, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस चार और ए का मान एक है तो ये बन गया प्लस चार यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आएंगे दो एक तीन एक चार यानी चार बराबर चार आ गया तो सिद्ध हो गया कि एक एक शून्यकों का योगफल जो होता है वह माइनस बी अपान ए होता है। अब आ जाएंगे दो दो शून्यक ले लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा होगा और यह बराबर हमें मिल जाएगा माइनस बी अपान ए था ये सी अपान ए बन जाएगा। अब अल्फा का मान दो गुड़े एक प्लस एक गुड़े एक क्योंकि बीटा और गामा दोनों के मान एक एक हैं, गामा का मान एक है और अल्फा का मान यहाँ से दो मिला और यहाँ मिल गया सी, सी का मान पाँच मिला और बटे ए का मान यहाँ से आ जाएंगे तो एक आ जाएगा तो दो एक का दो हो गया प्लस एक एक का एक आ गया प्लस दो एक का दो हो गया और ये बराबर पाँच आना चाहिए तो दो दो चार एक पाँच आ गया, पाँच बराबर पाँच आ गया। तो ये भी सिद्ध हो गया दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल जो होता है वह सी अपान ए होता है। अब हम ले लेते हैं एक और जिसमें तीनों शून्यकों अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी अपान ए। तो अल्फा का मान दो, बीटा का मान एक और गामा का मान भी एक है बराबर। अब हम आ जाएंगे माइनस डी, डी का मान माइनस दो है तो माइनस माइनस दो बटे ए का मान एक था तो दो एक का दो आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, दो हो गया बटा एक यानी दो बराबर दो मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि तीनों शून्यकों के गुणनफल इक्वल टू होता है माइनस डी अपान ए। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा गुणांकों और इसके बीच के संबंध को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।